FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर YouTube में बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन ज्यादातर वीडियोस में ऑप्शंस को तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, लेकिन फ्यूचर्स के बारे में उतने डिटेल में बात नहीं की गई है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको एक लाइव फ्यूचर ट्रेडिंग करके भी दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताएंगे जो कि आपके बहुत काम आएंगी, और लास्ट में हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सिर्फ एक वीडियो से पूरी फ्यूचर्स ट्रेडिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो देखिए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग ना बेसिकली डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस आते हैं, और ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनमें हम डायरेक्टली किसी एसेट को बाय ना करके, मतलब इसमें हम डायरेक्टली किसी एसेट को बाय नहीं करते हैं, इसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना इसकी जो वैल्यू होती है वो उस पर्टिकुलर एसेट से डिराइव होती है। यानी ये जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है जिसमें हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आता है, इसमें हम डायरेक्टली किसी स्टॉक को या किसी भी एसेट को बाय नहीं करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है वो इस पर्टिकुलर एसेट से डिराइव होती है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू में चेंज आएगा तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में भी चेंज आएगा। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कंपनी है टाटा पावर, तो हमारी इस केस में जो एसेट है वो क्या है, वो है टाटा पावर कंपनी। तो ये एक कंपनी है जिस पर आप भी रिसर्च करते हैं और आपका फ्रेंड भी रिसर्च करता है, और रिसर्च करने के बाद आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, जबकि आपके फ्रेंड को लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस गिरेगी। तो इस केस में आपका जो फ्रेंड है वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है जिसमें जो एसेट है वो है टाटा पावर, और यहाँ पर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो, और लास्ट में जाकर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने उस फ्रेंड को वापस बेच देंगे। तो मान लेते हैं कि आपने अपने उस फ्रेंड से इस कॉन्ट्रैक्ट को 1000 रुपए में बाय कर लिया। अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसकी जो वैल्यू है ये एक पर्टिकुलर एसेट पे डिपेंड करेगी जो कि इस केस में टाटा पावर है। तो ऐसे में मान लो अगर टाटा पावर की प्राइस बढ़ जाती है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए इसकी जो प्राइस है वो बढ़कर अब 1500 रुपए हो जाती है, तो ऐसे में आपको 50% के रिटर्न्स मिलेंगे, और इस केस में आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस अपने दोस्त को 1500 रुपए में बेच देंगे जो कि आपने 1000 रुपए में खरीदा था, और आपके फ्रेंड को वो 1500 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको तो 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपके फ्रेंड को 50% का लॉस हो जाएगा क्योंकि उसने पहले उसे 1000 रुपए में बेचा था और बाद में 1500 रुपए में खरीदा, तो उसको 500 रुपए का लॉस हो गया और आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है जिसमें एक को प्रॉफिट होता है तो दूसरे को लॉस होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया था यानी जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचा था उसको लॉस हो जाता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस गिर जाती है जो कि उस पर्टिकुलर एसेट पे डिपेंड करती है, अगर एसेट की प्राइस गिरेगी तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी गिरेगी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस गिरेगी तो क्योंकि जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया था उसने उसे महंगे में बेचा होगा और बाद में वो सस्ते में उसे खरीदेगा, तो ऐसे में उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। एक बार दोबारा से क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को या किसी पर्टिकुलर एसेट को बाय नहीं करते हैं, यहाँ पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है वो एक पर्टिकुलर एसेट पर डिपेंड करती है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर एसेट की वैल्यू गिरेगी तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी गिरेगी। तो अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो ऐसे में आप डायरेक्टली उस स्टॉक को बाय ना करके उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को भी बाय कर सकते हैं और ऐसे भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं डायरेक्टली स्टॉक को बाय कर सकता हूं तो फिर मैं उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को क्यों बाय करूं, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब समझते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, यानी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका सबसे पहला फीचर यह है कि ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, इनकी डिलीवरी डेट
इनके साइज और इनकी क्वालिटी के हिसाब से, यानी इनका जो साइज और डिलीवरी डेट है वो फिक्स्ड होता है। जैसे अगर निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करें तो उसका जो लॉट साइज है वो 50 का है, यानी अगर आपको निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है फ्यूचर्स का तो उसमें आपको मिनिमम 50 क्वांटिटी बाय करनी होगी, यानी ये इसका स्टैंडर्डाइज्ड साइज है। ऐसे ही अगर डिलीवरी डेट की बात करें तो इसकी जो डिलीवरी डेट होती है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड होती है। जैसे अगर आप अगस्त मंथ की बात करें तो इसमें भी एक पर्टिकुलर डेट ही होगी जो कि उसकी डिलीवरी डेट होगी। इसके बाद अगर इसके दूसरे फीचर की बात करें तो ये जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है इसमें आपको मार्जिन मिलता है, यानी अगर मान लीजिए आपको निफ्टी का फ्यूचर्स बाय करना है तो उसके एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लगभग 9.5 लाख रुपए के आसपास होगी। तो अगर आप पूरे 9.5 लाख रुपए देकर ट्रेड करेंगे तो ऐसे में हर कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है जिससे आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही कम प्राइस में बाय कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसके थर्ड फीचर की बात करें तो वो है स्पेक्यूलेशन एंड हेजिंग। अगर मान लीजिए एक ट्रेडर है जो एंटिसिपेट करता है कि जो निफ्टी है या कोई पर्टिकुलर एसेट है उसकी प्राइस इस पर्टिकुलर डेट तक इतनी जाएगी और ऐसा करके वो प्रॉफिट कमाता है तो इसको स्पेक्यूलेशन कहा जाता है। वही मान लीजिए एक दूसरा ट्रेडर है जिसने एक पर्टिकुलर एसेट को बाय कर रखा है और दूसरी तरफ पे वो उससे रिलेटेड किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देता है, तो ऐसे में वो हेजिंग करके अपने रिस्क को कम कर रहा है, तो इसका एक फीचर हेजिंग भी है। इसके बाद फ्यूचर्स ट्रेडिंग का जो फोर्थ फीचर है वो है एक्सपायरी। तो हर जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी एक एक्सपायरी होती है, जिस टाइम के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो जाता है। तो ऐसे में जो ट्रेडर है उसको या तो अपनी पोजीशन को क्लोज करना होता है या फिर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर भी कर सकता है। जैसे अगर मान लो निफ्टी के अगस्त मंथ के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसकी एक्सपायरी है 31 अगस्त, तो ऐसे में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को 31 अगस्त के बाद नहीं रख पाएंगे, यानी आपको उससे पहले ही अपनी पोजीशन को क्लोज करना होगा। और इसके बाद इसका जो फिफ्थ फीचर है वो है मार्क टू मार्केट, यानी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू डेली मार्केट में जो उतार चढ़ाव आता है, यानी उस पर्टिकुलर एसेट की जो प्राइस बढ़ती घटती है उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ती और घटती है। तो अब आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के फीचर्स समझ आ गए हैं, तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो मान लीजिए आज बैंक निफ्टी 100 रुपए में ट्रेड हो रहा है जिसका जो लॉट साइज है वो 25 रुपीज का है, तो इस केस में जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी वो होगी 2500 रुपए। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हमें मार्जिन मिलता है तो आपको यहाँ पर पूरे 2500 रुपए नहीं देने होंगे, आप आराम से 100, 200 या 300 रुपए में उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खरीद पाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को 100 रुपए में ही खरीद लिया क्योंकि आपको मार्जिन मिला है। अब जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस है ये क्लोजिंग ट्रेड की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी के जो वैल्यू है जो कि आपने 100 रुपए के हिसाब से बाय की थी उसकी वैल्यू बढ़कर अगर 150 रुपए हो जाती है, तो क्योंकि आपके पास 25 क्वांटिटीज है तो इस केस में आपको 1250 रुपए का प्रॉफिट होगा क्योंकि एक क्वांटिटी में आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी की वैल्यू 100 से घटकर 80 रुपए पे आ जाती है, यानी 20 रुपए घट जाती है, तो यहाँ पर आपको 500 रुपए का लॉस होगा क्योंकि आपके पास 25 क्वांटिटीज है। यानी अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का एक पर्टिकुलर साइज होता है, और जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं तो क्योंकि वहां पर आपको मार्जिन मिलता है तो इसलिए आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत सस्ते में खरीद पाते हैं, और उसके बाद अगर उस पर्टिकुलर एसेट की प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज आता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो अब आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के फीचर्स और फ्यूचर्स ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाने हैं ये समझ आ गया है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के फायदे क्या हैं और क्यों लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है जिसकी वजह से लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं वो है हेजिंग। हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है जिसमें अगर हमने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर रखा है तो हम उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेल कर देते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है तो हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो प्रॉफिट होगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हमने सेल किया है वहां पर हमें लॉस हो जाएगा। लेकिन हमें ना तो बहुत ज्यादा लॉस होगा ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो हमारा रिस्क मेंटेन रहेगा। और वहीं अगर मान लीजिए स्टॉक की प्राइस गिर जाती है तो भले ही हमें यहाँ पर लॉस होगा लेकिन क्योंकि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है तो वहां पर हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें इस केस में जो यहाँ पर लॉस हो रहा था
वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हमने सेल किया था वहां से रिकवर हो जाएगा, जिससे हमारा जो रिस्क है वो मैनेज रहेगा। दूसरा, फ्यूचर्स ट्रेडिंग लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो फ्यूचर्स ट्रेड में ना बहुत सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप इंडेक्स में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। इसके बाद इसका जो थर्ड एडवांटेज है वो ये है कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बहुत लिक्विड होते हैं, तो इन्हें बाय एंड सेल करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, जो कि कई बार छोटे जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आ सकती है। और इसका जो फोर्थ एडवांटेज है वो ये है कि ये जो फ्यूचर मार्केट होता है इसकी ग्लोबल मार्केट एक्सेस होती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ऑपरेट होते हैं। आपने SGX निफ्टी का नाम तो सुना ही होगा, यानी सिंगापुर निफ्टी, जिसका नाम अभी चेंज होकर गिफ्ट निफ्टी हो चुका है, तो वो भी एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो ये सभी एडवांटेजेस हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के। लेकिन इतने सभी एडवांटेजेस होने के बावजूद भी जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है, इसलिए समझते हैं कि अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा और आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा। आपने वो कोट तो सुना ही होगा कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो आप अगर फेल नहीं होना चाहते हैं तो इसके लिए अपना एक सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान बनाएं, जिसमें प्रॉपर फ्रेम कीजिए कि आप किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आप अप्लाई करेंगे, आपके ट्रेडिंग गोल्स क्या होंगे, आप कौन से मार्केट में ट्रेड करेंगे, ये सब कुछ पहले ही फ्रेम कर लीजिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। अब जब आपने अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना लिया है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा उस ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना। तो इस वीडियो से आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज तो हो ही जाएगी, लेकिन ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको इसे प्रैक्टिकली खुद अप्लाई करके देखना होगा। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शुरुआत में ही अपने पैसे डायरेक्टली फ्यूचर्स मार्केट में लगा दें, पहले सीखिए, जिसके लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर वर्चुअल ट्रेडिंग करने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपना रिस्क टॉलरेंस पता होना चाहिए, यानी अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। तो आपने अपने रिस्क को भी डिफाइन करना है और उसके बेसिस पर ही डिसाइड करना है कि आपके लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग सही है या फिर नहीं है। क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि मैं आपको किसी चीज के बारे में सिखा रहा हूं और उससे आप अपना नुकसान करवाएं। सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं हर चीज चाहता हूं कि आप सीखें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज आप अप्लाई करें, नॉलेज आपको सभी चीजों की होनी चाहिए। और क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूं कि आपके लिए क्या सही है, वो आप खुद जानते हैं, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि आपके लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग सही है या फिर नहीं। अब अगर ये सब करने के बाद आपको लगता है कि आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। वैसे मैंने कुछ बेस्ट डीमैट अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे उसके बाद अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना सेगमेंट एक्टिवेट करना होता है, जो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग का है, और उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फ्यूचर्स ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको ये समझ आ गया है कि शुरुआत कैसे करनी है, तो अब मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेकर भी दिखा देता हूं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं मेरे ऑफिस में, लेकिन ध्यान रखिए इसके बाद हमने बहुत सारी फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज भी सीखनी है, तो उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको एक लाइव फ्यूचर्स ट्रेड लेकर भी दिखा देता हूं और इसके साथ ही मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। तो हम हमारे डीमैट अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप एक बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फ्यूचर्स ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना सेगमेंट एक्टिवेट करना होता है, जिसके लिए आपको अकाउंट सेक्शन में जाना होगा और यहां जाने के बाद आपको प्रोफाइल में जाना होगा और प्रोफाइल में जाने के बाद लास्ट में आपको डेरिवेटिव एंड इक्विटी ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है इसको आपने एक्टिव करना होगा। ये मैंने ऑलरेडी एक्टिव कर रखा है तो इसलिए आपको यहाँ पर टिक दिखाई दे रहा है, आपको इसे पहले एक्टिवेट करना होगा तभी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर पाएंगे। तो जब आप इसको एक्टिव कर लेते हैं उसके बाद अगर आप किसी भी फ्यूचर्स को बाय करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उस स्टॉक का या फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आप निफ्टी का फ्यूचर्स बाय करना चाहते हैं तो आपने निफ्टी लिखकर सर्च करना है। अब जैसे ही आप निफ्टी लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर ही FUT यानी फ्यूचर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें तीन तरह के निफ्टी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। एक है 31 अगस्त का निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है 28 सितंबर का और तीसरा है 26 अक्टूबर का।
तो जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो मंथ अभी चल रहा है उसी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई देता है। जैसे अभी अगस्त का मंथ चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद अगला महीना सेप्टेम्बर का है तो वो हमारा नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद जो मंथ है वो अक्टूबर आएगा तो ये हमारा जो अक्टूबर है ये हमारा फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर तीनों की डेट इसलिए अलग है क्योंकि जो निफ्टी के फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे को होती है, तो इन तीनों डेट्स में लास्ट थर्सडे पड़ रहा है उस पर्टिकुलर मंथ का। इसके साथ ही हमने आपको एक लॉट साइज के बारे में भी बताया था, तो हर इंडेक्स का और हर स्टॉक का अपना एक लॉट साइज होता है। जैसे निफ्टी के लॉट साइज की बात करें तो अगर हम इसे बाय करने जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 50 है, यानी अगर आप निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हैं तो इसमें आपको 50 क्वांटिटी बाय करनी होगी। और ऐसे ही अगर मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो आपने सबसे पहले रिलायंस लिखकर सर्च मारना है। अब क्योंकि रिलायंस एक स्टॉक है इसलिए आपको यहां पर EQ यानी इक्विटी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप नीचे अगर जाएंगे तो आपको फ्यूचर्स लिखा हुआ भी दिखाई देगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक FNO का भी ऑप्शन है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं, एक है 31 अगस्त का, दूसरा है सेप्टेम्बर का और तीसरा है अक्टूबर का। और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे जो कि हमारा करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है 31 अगस्त का, और इस पे बाय करने पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसका जो लॉट साइज है वो 250 का है। यानी अगर आप रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक लॉट बाय करना होगा जिसमें 250 क्वांटिटी आएंगी। अब क्योंकि आप जानते हैं कि रिलायंस के इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो 2490 रुपीज चल रही है, तो अगर आप इसकी 250 क्वांटिटी बाय करेंगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो निकल कर आएगी 6.23 लाख रुपीज। यानी इतने रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इतने रुपीज आपको देने चाहिए लेकिन आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको मार्जिन मिलता है जिसमें आप 15-20% पैसे देकर ही इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इसका एक लॉट बाय करना चाहते हैं जिसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो लगभग 6 लाख रुपए के आसपास की है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकालने के लिए जो अभी फ्यूचर्स की प्राइस चल रही है ना उसको उसका जो लॉट साइज है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस केस में आप 2490 रुपीज एंड 50 पैसा को 250 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6.23 लाख रुपीज निकल कर आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है, तो इसलिए आप इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जिसकी वैल्यू 6.23 लाख रुपीज है उसको 1,10,000 रुपीज में बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक लाइव फ्यूचर्स ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। ये मैं रिलायंस का फ्यूचर्स ट्रेड बाय कर रहा हूँ। आप चाहें तो रिलायंस के अलावा किसी और स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं जो कि फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, और चाहें तो निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे किसी इंडेक्स में भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं रिलायंस में कर रहा हूं तो इसलिए मैं यहां पे सर्च करता हूं रिलायंस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रिलायंस लिखकर सर्च करेंगे तो क्योंकि ये एक स्टॉक है तो यहां पर आपको इक्विटी में नजर आएगा, लेकिन क्योंकि मुझे इसे फ्यूचर्स में बाय करना है तो मैं थोड़ा नीचे जाकर भी देख सकता हूं, तो यहां पर मुझे फ्यूचर्स वाला एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है तो मैं करंट मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट बाय करता हूं। बाय करने के लिए मुझे बाय पे क्लिक करना है और इसके बाद मैंने एक लॉट डाल दिया है जिसकी जो प्राइस है वो 1,10,733 रुपए चल रही है। ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूं, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस नहीं करना है, आपने अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। तो क्योंकि मैं रिलायंस का यहां पर एक लॉट बाय करने जा रहा हूं इसलिए नंबर ऑफ लॉट्स में मैंने 1 लिखा है, और इसके साथ ही मैं इसे मार्केट प्राइस में बाय करने जा रहा हूं इसलिए मैंने मार्केट सेलेक्ट कर लिया है। अब क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं इसलिए मैं अभी स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूं, तो जैसे ही मैंने इस पे ऑर्डर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी पोजीशन में आ चुका है और इसमें फिलहाल मुझे अभी 375-525 रुपीज का लॉस नजर आ रहा है। मैं जल्दी से इसमें अपना एक स्टॉप लॉस भी लगा लेता हूं ताकि मुझे ज्यादा लॉस ना हो। तो ये मैं लगा रहा हूं 2484 रुपीज का और इसको मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है और यहाँ पे मुझे लॉस हो गया है। अब ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेड मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए लिया था कि फ्यूचर्स ट्रेड कैसे लेना है। अगर आप कभी भी ट्रेड लेते हैं तो इसके लिए पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होती है और उसके बाद ही आप ट्रेड लेते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा रखा था। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखें कि मैंने 31 अगस्त की एक्सपायरी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे बाय किया उसके 5 मिनट के बाद ही मैंने इसे सेल कर दिया। यानी भले ही इसकी एक्सपायरी 31 अगस्त की है लेकिन आप जब चाहें तब उसे बाय कर सकते हैं और जब चाहे उसे सेल कर सकते हैं, और चाहें तो आप 31 अगस्त तक इसको होल्ड भी कर सकते थे। तो अब आपने लाइव ट्रेड देख लिया है और आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना तो आ ही गया है, लेकिन अब आपके लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजीज जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड करेंगे तो वहां पर आपको लॉस हो सकता है।
वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको आई बटन पे नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो हमारी जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में जो ट्रेडर है वो ट्रेंड को फॉलो करता है, यानी अगर इसमें शेयर की जो प्राइस है या जो उस पर्टिकुलर एसेट की प्राइस है वो बढ़ रही है तो वहां पर जो ट्रेडर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेता है, और अगर शेयर की प्राइस गिर रही होती है यानी शेयर डाउन ट्रेंड में होता है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देता है और इस तरीके से वो पैसे कमाता है। अब एक ट्रेडर को कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? तो इसके लिए आप टेक्निकल इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर पता कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है या घट रही है। इसके बाद जो हमारी सेकेंड स्ट्रेटजी है वो है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं, यानी जब भी किसी स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाता है तो वहां पर ट्रेडर बाय पोजीशन ले लेता है, और अगर किसी स्टॉक का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाता है तो वहां पर जो ट्रेडर है वो शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले लेता है। इसके बाद जो हमारी थर्ड स्ट्रेटजी है वो है रेंज ट्रेडिंग, जिसमें जो ट्रेडर है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही काम करता है, लेकिन वहां पर जो ट्रेडर है वो जब भी शेयर की प्राइस सपोर्ट के आसपास आती है तो उसे लगता है कि प्राइस अब इससे नीचे नहीं जाएगी तो वो वहां पर बाय कर लेता है, और जब भी शेयर की प्राइस अपने रेजिस्टेंस के आसपास आती है तो उसे लगता है कि प्राइस अब ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी तो वो वहां पर सेल कर देता है और इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाता है। इसके बाद जो फोर्थ स्ट्रेटजी मार्केट में फॉलो की जाती है वो है कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में ट्रेडर हमेशा मार्केट के अपोजिट में काम करता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो स्टॉक को सेल कर देगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो वो स्टॉक को बाय कर लेगा, और इस तरीके से वो ट्रेड करता है। इसके पीछे लॉजिक यह है कि ट्रेडर ये मानता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो एक ना एक टाइम पर ऊपर वापस आएगा, और अगर मार्केट बढ़ रहा है तो एक ना एक टाइम पर नीचे आएगा, और इस बेसिस पर वो ट्रेड लेता है। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की स्ट्रेटजी है, लेकिन इस टाइप की भी एक स्ट्रेटजी मार्केट में फॉलो की जाती है। ध्यान रखिए कि ये स्ट्रेटजीज मैं आपको सिर्फ बेसिकली समझा रहा हूँ, अगर आप इनमें से किसी भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं। इस स्ट्रेटजी में जो ट्रेडर है वो बहुत छोटे छोटे जो प्राइस में मूवमेंट आते हैं उनको कैच करने की कोशिश करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है। यानी इसमें हम कुछ मिनट्स के अंदर ही ट्रेड में एंटर करते हैं और कुछ मिनट्स के अंदर ही ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है स्विंग ट्रेडिंग। ये स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजीज के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम रिस्की होती है, हालांकि रिस्क इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्योंकि जो ट्रेडर है वो कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते और इवन कुछ महीने के लिए ट्रेड को होल्ड करता है और उस तरीके से प्रॉफिट कमाता है, तो यहाँ पर क्योंकि ट्रेडर के पास प्रॉपर टाइम होता है इसलिए इस स्ट्रेटजी में थोड़ा रिस्क कम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पैसे कमाने में टाइम भी ज्यादा लगता है। और ऐसे ही एक और स्ट्रेटजी है पेयर्स ट्रेडिंग, जिसमें हम दो को रिलेटेड एसेट्स को बाय एंड सेल करते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी और ऐसे दोनों के बीच में जो डिफरेंस रह जाएगा उससे हम प्रॉफिट कमाते हैं। अब लास्ट स्लाइड देखने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल यह है कि ये जो पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? अगर आप इसका नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम बहुत ही जल्दी ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 7 से 8 वीडियोस होंगी, तो अगर आप चाहते हैं हम वो ऑप्शंस ट्रेडिंग की सीरीज लेकर आएं तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तभी हम उस सीरीज को लेकर आएंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब अपनी लास्ट स्लाइड भी देख लेते हैं जो कि बेसिकली बात करती है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो आपको पता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर रिस्क अच्छा खासा होता है, तो आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे यही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने रिस्क टॉलरेंस को डिसाइड करना, यानी ये पता करना कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो ये पता करने के लिए आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और इसके साथ ही आप कितना रिस्क ले सकते हैं इसका अच्छे से वैल्यूएशन कर लें। इसके बाद दूसरा तरीका है अपने रिस्क को मैनेज करने का, अपने पोजीशन साइज को मेंटेन रखना, यानी जितना आप ट्रेड ले सकते हैं या जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही बड़ा ट्रेड लें,
एकदम से बहुत बड़ा अमाउंट लगाकर ट्रेडिंग ना करें। तीसरा तरीका होता है रिस्क को मैनेज करने का, स्टॉप लॉस लगाना। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और ऐसे में अगर मार्केट अचानक से नीचे गिर जाता है तो आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। इसलिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करें, या फिर जिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हैं उसके बेसिस पर भी आप अपना स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है रिस्क मैनेजमेंट करने का, वो है अपना रिस्क और रिवॉर्ड को डिसाइड कर लेना। यानी ये डिसाइड कर लेना कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिस्क के बारे में तो हमने पहले भी बात की है, लेकिन कितना रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए, और वो रैशनल होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आप 10 रुपए लगा रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 12, 13, 14 या 15 की सोचें, 50, 60 या 100 की सोचेंगे तो वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है अपने रिस्क को मैनेज करने का, वो है ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना। यानी अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको एक या दो ट्रेड के बाद प्रॉफिट हो जाता है तो उस दिन के लिए एटलीस्ट अपनी ट्रेडिंग बंद कर दें, और अगर उसके बाद भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो जिस अमाउंट का आपको प्रॉफिट हुआ है उसका 20 या 30% का ही रिस्क लें, ताकि लास्ट में आप प्रॉफिट लेकर ही घर जाएं। अगर आप प्रॉफिट होने के बाद भी पूरी कैपिटल के साथ ट्रेड करेंगे तो लास्ट में आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमने रिसेंटली अपनी एक बुक लॉन्च की है, बी अ स्टॉक मार्केट मिलियनेयर, जो कि Amazon पर अवेलेबल है। तो आप हमारी बुक को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट एंड फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।